रक्षाबंधन का पर्व बहन भाई का पवित्र त्यौहार होता है और इस त्यौहार पर महिलाएं अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं। रक्षाबंधन त्यौहार पर महिलाएं दूर दराज से अपने भाइयों के पास जाती हैं और इस पवित्र रक्षाबंधन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए आने जाने के लिए विशेष तोहफा दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को आदेश दिया कि 48 घंटों के लिए महिलाओं को निःशुल्क सफर कराया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मथुरा डिपो के द्वारा भी 10 अगस्त की रात्रि से लेकर 12 अगस्त रात्रि तक महिलाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। पूर्व में मात्र 24 घंटे के लिए ही निःशुल्क यात्रा के लिए अनुमति दी जाती थी, लेकिन इस बार 48 घंटे के लिए निःशुल्क यात्रा कराने का सरकार ने फैसला लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मथुरा रोडवेज ARA मदन मोहन शर्मा ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त शाम से प्रारंभ हो रहा है और 12 अगस्त तक रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 48 घंटे के लिए महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान रखा गया है, जिसमें महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करके कहीं भी जा सकती हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों को किलोमीटर के हिसाब से वेतन भत्ता और सभी की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। इस संबंध में ARM मदन मोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है। मेरा नाम मदन मोहन शर्मा, ARM मथुरा। रक्षाबंधन को लेकर क्या व्यवस्था की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के लिए अधिक से अधिक गाड़ी चलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और 2 दिन के लिए निःशुल्क सेवा महिला यात्रियों के लिए, जिससे हम उन्हें बहनों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें। और इसी बीच हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, कंडक्टर साहब हैं, उनके लिए 10 से 15 तक की इंसेंटिव योजना बनाई गई है। 1200 किलोमीटर 1800 रुपये मिलेंगे उसमें, और उसके लिए लोड फैक्टर का भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर 65% से लोड फैक्टर अधिक है जब ये इंसेंटिव योजना इंसेंटिव का पैसा मिलेगा। इसी तरह वर्कशॉप के लिए भी 500 रुपये है 10 से 15 तारीख के बीच में, और सभी प्रकार की छुट्टियाँ बंद कर दी गई।